हेलो दोस्तों, एनएन स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। क्रिकेट जगत की तमाम अपडेट्स लेकर आपके क्रिकेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीजें लेकर हम आपके सामने आते हैं। एक और क्रिकेट प्लेयर के बारे में हम एक दिलचस्प फैक्ट लेकर आए हैं और उनसे जुड़ा हुआ अपडेट लेकर आए हैं। सिक्स कैसे मारते हैं युवराज सिंह, इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर युवराज सिंह कब पिच पर वापसी करेंगे। तो युवराज सिंह के फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि युवराज सिंह पिच पर आपको फिर से दिखाई देंगे। तो आखिर कौन सी लीग में खेलने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मैच से भी अलविदा कह चुके हैं और आईपीएल से भी अलविदा कह चुके हैं युवराज सिंह। तो आखिर कौन सी लीग में और कहां पर वो नजर आएंगे, किसके साथ खेलते हुए, ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट एनएन स्पोर्ट्स से क्रिकेट जगत का मिलता रहे। तो चलिए पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। युवराज सिंह ने पिछले साल यानी कि 2019 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब उन्हें एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस साल वो आईपीएल में भी नहीं खेल रहे हैं। पिछले साल वो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे लेकिन बहुत कम ही मैचों में उन्हें खेलने का मौका मिला था। इस बीच खबर आ रही है कि वो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की मशहूर T20 लीग बिग बैश लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर युवराज सिंह बिग बैश लीग में खेलते हैं तो वो भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर होंगे जो इस लीग में खेलेंगे। इससे पहले कोई भारतीय इस लीग में नहीं खेला है। बिग बैश लीग की अपनी अलग पहचान है, दुनिया भर के खिलाड़ी इस लीग में खेलते हैं। इसका अगला सीजन 3 दिसंबर से 6 फरवरी तक खेला जाना है। ये बिग बैश लीग का 10वां सीजन होगा। बिग बैश लीग में खेलने के लिए जरूरी है कि भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल और आईपीएल दोनों ही से रिटायरमेंट ले लिया हो। ये काम युवराज सिंह पहले ही कर चुके हैं। अब उन्हें BCCI में NOC की जरूरत होगी, इसके बाद वो BBL में खेल सकते हैं। तो युवराज सिंह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है इस लीग में खेलने के लिए, क्योंकि उन्हें इंतजार है सिर्फ एक NOC का जो उन्हें BCCI से लेनी है। अब आखिरी मन युवराज सिंह को बनाना है कि क्या वो ये लीग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मैच से अलविदा कह दिया है, IPL से अलविदा कह दिया है। तो क्या एक बार फिर से उनके हाथ में बल्ला नजर आएगा, क्या एक बार फिर से वो पिच पर नजर आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनको खुद ही डिसाइड करना है। युवराज सिंह पिछले साल ही ग्लोबल T20 लीग में कनाडा में खेलते हुए दिखाई दिए थे। वहीं माना यह भी जा रहा है कि वेस्ट इंडीज में होने वाली कैरोबियन प्रीमियर लीग में भी वो खेल सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इस साल प्रवीण तांबे CPL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। वो इस साल CPL खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवराज सिंह के मैनेजर जेसन वॉन ने द एज से कहा है कि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ बात कर रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉटसन भी कह चुके हैं कि भारतीय खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेल सकते हैं, इससे भारतीय खिलाड़ियों को फायदा होगा। शेन वॉटसन इस वक्त UAE में है, कुछ ही दिन बाद वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। IPL में आपको हमेशा युवराज सिंह पंजाब 11 के लिए खेलते हुए दिखाई दिए होंगे, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि IPL से भी संन्यास ले लिया, अब इसके बाद में उनसे आग्रह किया गया था कि वो पंजाब की टीम के लिए मेंटोर के तौर पर काम करें, मेंटोर बने, लेकिन इस पर आखिरी फैसला युवराज सिंह को ही लेना है। हालांकि अभी भी संशय बना हुआ है मेंटोर बनते हैं या नहीं बनते। तो अब ये पूरी बात और ये पूरी रिपोर्ट हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। आपको बता दें कि IPL में युवराज सिंह ने पुणे वॉरियर्स इंडिया की कप्तानी की है। इनके अलावा वो IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले हैं। मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद अब वो IPL के 13वें सीजन में नजर नहीं आएंगे। साल 2014 में युवराज सिंह को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने करीब 14 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। युवराज सिंह से महंगा कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं बिका है। पिछले दिनों ही युवराज सिंह ने कहा था कि टीम मैनेजमेंट से परेशान होकर वो किंग्स 11 पंजाब को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पंजाब की जर्सी से बहुत लगाव है। पंजाब क्रिकेट संघ ने युवराज सिंह से संन्यास का फैसला वापस लेकर प्रदेश की टीम का खिलाड़ी और मेंटर बनाने का आग्रह किया था। हालांकि अभी युवराज ने इस पर जवाब नहीं दिया है। PCA सचिव पुनीत पाली ने कहा था कि उन्होंने युवराज से आग्रह किया है जो पहले ही शुभमन गिल समेत कुछ युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। बाली ने कहा था कि हमने युवराज से अनुरोध किया है और उनके जवाब का इंतजार है। अगर वो मान लेते हैं तो पंजाब क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो युवराज सिंह पिच पर आपको कहां दिखाई देंगे,
कब दिखाई देंगे और आखिरी फैसला क्या होगा युवराज सिंह का, वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। लेकिन आखिरी फैसला युवराज सिंह का ही होने वाला है, वो क्या विचार करते हैं, क्योंकि फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब भी वो सिक्स की दमखम, वो सिक्स जो युवराज सिंह के बल्ले से निकला करते थे, वो किसी प्लेयर में नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए अब युवराज सिंह कहां खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, कब खेलते हैं और क्या मन बनाते हैं खेलने का या नहीं, ये आने वाला समय ही तय करेगा और खुद युवराज सिंह तय करेंगे। लेकिन एनएन स्पोर्ट्स से जुड़े रहने के लिए, क्रिकेट जगत की तमाम अपडेट्स के लिए, स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।